एवरीवन, मैं हूं शशांक। एक बार फिर से स्विच हिट में हम लोग करने जा रहे हैं मूवी रिव्यू घोस्ट स्टोरी के सेकंड स्टोरी का, जो है अनुराग कश्यप की। हर बार की तरह मानस मिश्रा है मेरे साथ, मेरे कली। तो मानस, आपने फिल्म देखी है, कैसी लगी आपको? वेल, आई थिंक मेरा रिव्यू ये रहेगा जो घोस्ट स्टोरी की सेकंड स्टोरी है, उसमें मैं यही कहूंगा कि कहीं ना कहीं ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर ज़्यादा थी रादर देन यू नो नॉर्मल हॉरर, और जो कि एक रेगुलर हॉरर फिल्म्स जो हम देखते आए हैं जिसमें जंप स्केयर्स होते हैं और यू नो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं हॉरर, जो हॉरर जनरेट करते हैं साउंड के थ्रू या विजुअल्स के थ्रू। अच्छा मानस, जैसे कि मैं जितने भी अनुराग कश्यप की मैंने फिल्में देखी हैं उसमें जो कैरेक्टर्स हैं, हमेशा एक चीज़ ऑब्जर्व किया है कि एक ही डार्क साइड को ज़्यादा वो प्रोमिनेंटली दिखाते हैं। सो व्हाट यू थिंक अबाउट दैट? इस फिल्म में शशांक, मैं ये कहूँगा कि एक साइकोलॉजिकल एक थीम है, कई सारी थीम्स हैं, थीम्स पे तो हम बात करते ही हैं। साथ में थोड़ा सा जो मुझे जो अनुराग कश्यप जी, जो लाइक ही इज़ अ ग्रेट डायरेक्टर एंड वी हैव सीन ऑल इज ग्रेट वर्क इंक्लूडिंग गुलाल एंड गैंग्स ऑफ वासेपुर एंड यू नो वेरियस अदर फिल्म्स एज वेल, इन चारों ही डायरेक्टर्स में से एक अनुराग कश्यप ही हैं अगर मैं कहूँ तो, कि जो अपने कैरेक्टर्स थोड़े से, उनके कैरेक्टर्स थोड़े से डार्क होते हैं और जो अंडरटोन्स होती हैं इस तरह की साइकोलॉजिकल हॉरर जिसको हम बोल सकते हैं, वो कहीं ना कहीं इन चारों डायरेक्टर्स में से सिर्फ अनुराग कश्यप की फिल्मों में हमें देखने को मिला है, चाहे वो अगली फिल्म हो, चाहे रमन राघव हो, या वेरियस अदर फिल्म, इवन गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी जो कुछ कैरेक्टर्स थे। अच्छा एक बात बताइए कि आपको इसमें घोस्ट फैक्टर दिखा? क्योंकि घोस्ट स्टोरी नाम है फिल्म का और उसका एक ये पार्ट है, क्या आपको घोस्ट फैक्टर दिखा? जब हम एक घोस्ट स्टोरी में बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वी फील दैट यू नो कुछ और भी हो सकता था। वेल, अच्छी बात ये लगी मुझे इस फिल्म के बारे में कि फिल्म जो है वो अच्छी तरह से शूट करी है। देखने वाले को ये लगेगा कि वाकई में ये कोई बाहर की फिल्म है, बिकॉज द काइंड ऑफ कैमरा एंड द काइंड ऑफ फ्रेम्स दैट अनुराग कश्यप हैज मेड यू नो इट इज़ वेरी गुड। बट क्या हॉरर जनरेट कर पा रहा है? तो मेरा जवाब होगा कि एब्सोल्युटली नो। अच्छा, इतना टेक्निकल नहीं करते हैं, सीधा सीधा जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बेस्ट पार्ट क्या था फिल्म का आपके हिसाब से? आई लाइक द कैमरा वर्क, आई लाइक द वे यू नो द स्लोली एंड स्टेडली हाउ वी गेट इनटू द फिल्म, लाइक फिल्म स्टार्ट्स विद अ कैमरा, अ पर्सन टेकिंग अ पिक्चर एंड इट्स अ पोलरॉइड कैमरा, ब्लैक एंड वाइट थीम है, तो वी फील दैट यू नो ये दिस इज़ नॉट द प्रेजेंट डेज फिल्म, ये थोड़ा हम पीछे जाके 90s में जाकर के हम एक फिल्म को देख रहे हैं, क्योंकि जो एलिमेंट्स उसमें यूज़ किए गए हैं वो सब 90s के हैं। तो पोलरॉइड कैमरा होता है एंड जो हमारा फिल्म कैमरा वो धीरे धीरे पोलरॉइड कैमरा के पास जाता है एंड पीछे कुछ हलचल दिखती है हमें, एक नर्स है जो भागती हुई जा रही है। तो ये बहुत अच्छी स्टार्ट थी, आई थिंक इस पूरी ही एंथोलॉजी में सबसे अच्छी जो स्टार्ट मुझे लगी है वो मुझे इस फिल्म की लगी है। अनुराग ने यहाँ पे जो थीम है मदरहुड की उसको एक एक नाइटमेरिश एक्सपीरियंस के तौर पे भी आई थिंक दिखाना चाहा है, जैसे जो कि शायद मेरे हिसाब से कई लेडीज़ के लिए, कई वेमेन के लिए वो एक सच्चाई भी है, और जो एक्सपेक्टेशंस आती हैं बहुत ही अनरियलिस्टिक होती हैं, हार्मोनल इम्बेलेंसेज होते हैं, यू नो जो एक इमोशनल जो एक टर्मोइल का फेज़ होता है और बहुत कुछ गलत हो सकता है इस प्रेगनेंसी के दौरान, तो उस चीज़ को कश्यप ने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है साइकोलॉजिकली। सो आई थिंक मदरहुड वाज अ वेरी यू नो ऑब्वियस थीम, अ वेरी प्रोमिनेंट थीम इन दिस पर्टिकुलर फिल्म। ओके, मुझे फिल्म का आर्ट डायरेक्शन अच्छा लगा। फिल्म का जो 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 घर है जहाँ पे वो शूट कर रहे हैं, उस घर के अंदर ही इन्होंने ऐसे एलिमेंट्स को ध्यान में रखे हुए, जैसे कि वो एक सीढ़ी का शॉट है जब वो मदर इज़ ट्राइंग टू क्लाइम द स्टेयर्स, वो ऊपर जाती है एंड वहाँ पे वो चिड़िया के जो अंडे हैं वो छूती है, देखती है। इसके अलावा जो ओपनिंग शॉट है फिल्म का, जहाँ पे हम जाते हैं वापस, वो अंश को बेबी सिट कर रही है, वी सी द एंटायर हाउस हैज बीन यू नो डन इन सच अ वे दैट वी गेट टू नो कि द ईयर इज 1993। तो वो पूरा वो फील लाने की कोशिश की है, वो रेडियो का एलिमेंट है। आर्ट और प्रोडक्शन डिजाइनिंग है फिल्म की वो काफ़ी अच्छी है।
अपने आप में अनुराग कश्यप की जो फिल्में हम पहले भी देख चुके हैं, तो वो इन चीज़ों पे बहुत मेहनत करते हैं अनुराग, और वो लुक पे बहुत मैटर भी करता है, बिकॉज एक आप एक हॉरर फिल्म बना रहे हैं तो लुक रियली मैटर्स अ लॉट। ओके, आपका बेस्ट कैरेक्टर कौन था इस फिल्म में? क्योंकि यहाँ पे एक बच्चा है, अंश नाम है उसका फिल्म में। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम लोग बच्चों को फिल्म में कहीं पे दिखाते हैं, और अगर हम सस्पेंस या हॉरर फिल्म में अगर हम बच्चे को कहीं पे प्लेस कर रहे हैं, तो बड़ा ही एक अनएक्सपेक्टेड सा एक ग्राफ जाता है एक बच्चे के साथ, खास तौर से जब उसको किसी इस तरह की सिचुएशन में प्लेस किया जाए। सो व्हाट्स योर व्यूज ऑन दैट? आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड बाई दैट लिटिल किड अंश। उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया है, मैं कहूँगा अनुराग ने फिल्म के अंदर, बिकॉज बच्चों से एक्टिंग करवाना भी बहुत बड़ी बात है, वो भी एक हॉरर फिल्म है। तो आई थिंक उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया अनुराग ने, और कहीं ना कहीं अंश का जो 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 जब भी अंश आता है फ्रेम में तो बहुत ही इंट्रिगिंग सा है, बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस लगता है मुझे। मैं जब भी उसको, मुझे लगता है कि बच्चे को जब भी हम किसी फिल्म में किसी भी फ्रेम में लेते हैं, वो फ्रेम बहुत अच्छा है, बिकॉज एंटिसिपेशन बहुत होता है इस तरह के शॉट्स में, और वी नेवर नो हाउ अ चाइल्ड इज गोइंग टू रिएक्ट टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो दैट इन इटसेल्फ यू नो क्रिएट्स अ लॉट ऑफ यू नो गेट वेस्ट फॉर अ फिल्म मेकर, एंड एज एन ऑडियंस ऑल्सो आवर एक्सपेक्टेशंस दे राइज अ लॉट। तो घोस्ट एलिमेंट आपको लगा क्या इसमें? क्योंकि मेरे हिसाब से अनुराग कश्यप की ज़्यादातर फिल्मों में जितना आप स्टोरी को आप कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, अगर मुझे ऐसा लगा कि स्टोरी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही है, मेरा दिमाग उसको डिकोड करने की तरफ ज़्यादा चला गया। डिकोड करने की तरफ ज़्यादा चला गया, इसका मतलब ये है कि जब मैं उस फिल्म को देख रहा हूँ तो राधाबेन के उसमें हो क्या रहा है उससे ज़्यादा मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर ये स्टोरी मुझे समझा कैसे रही है। क्योंकि आप जब एक पार्ट पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, और स्टोरी आपको पता है कि यहाँ पे जो व्यूअर है वो शायद उसको समझ में उतने अच्छे से नहीं आ रहा होगा, फिर आप एक इजी नरेशन डाल देते हैं जो कि एक फ्लैशबैक में आता भी है। माँ और बेटी का एक कॉन्वर्सेशन दिखाया गया है जिसमें माँ कह रही है कि तुमने ऐसा कर दिया, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। तो एक तरफ तो आप बिल्कुल कॉम्प्लेक्स सिचुएशन रख रहे हैं, फिर एक जगह पे ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं जस्ट टू मेक श्योर कि ऑडियंस को समझ भी आ जाए। तो आपको नहीं लगता कि जब हम स्टोरी को इतना ज़्यादा हम कॉम्प्लेक्स कर देते हैं तो हॉरर फैक्टर वो आने के बजाय दिमाग यहाँ पे ज़्यादा इंडल्ज हो जाता है कि आखिर स्टोरी में हो क्या रहा है, आप उसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो अनयूजुअल से विजुअल्स आ रहे हैं मेरे सामने वो आ क्यों रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इसमें? अगर हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि ये घोस्ट स्टोरी की एक वन ऑफ द स्टोरी है, तो आई थिंक हमारे लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज इसको हम एक हॉरर एक घोस्ट स्टोरी की तरह ना देख करके अगर एक नॉर्मल फिल्म की तरह देखेंगे तो आई थिंक अनुराग ने अच्छा काम किया है एज ऑलवेज। एंड ये शायद फिल्म जो है ये उनकी पिछली कुछ फिल्मों से थोड़ी हटके है, और ज़रूरी नहीं है वो हर बार आपको कोई गैंगस्टर टाइप की कोई फिल्म बनाएंगे या वो कुछ इस तरह का एक कैरेक्टर होगा जो यू नो लार्जर देन लाइफ होगा, या जिसको हमें लगेगा कि यू नो इसको हमें ये एंटी हीरो है या यू नो उस तरह का कोई कैरेक्टर, हर बार वैसा हमें नहीं मिलेगा। तो अनुराग ने थोड़ा सा हटके कुछ काम करने की कोशिश की है, विच इज़ वेरी गुड। ओके, इन माई व्यू ना मानस, जब हम ऐसी फिल्म देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि मैं सही बताऊं तो मुझे हॉरर फैक्टर तो इसमें मुझे कहीं भी नहीं लगा। अनलाइक द प्रीवियस वन जो जोया अख्तर की फिल्म थी, उसमें नर्स वाली, उसमें ये चीज़ पता चल रही थी कि हाँ एक एक एंटिसिपेशन जो था वो लग रहा था कि हाँ यार अनएक्सपेक्टेड चीज़ है, क्या होने वाला है या क्या हो सकता है इसमें। लेकिन इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू एल्फ्रेड हिचकॉक जो कि साइकोलॉजिकल हॉरर की तरफ जाती है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? आई वुड से दैट ये फिल्म एक साइकोलॉजिकल हॉरर को डिपिक्ट ज़्यादा करती है ना कि एक्चुअल हॉरर को, जैसा कि हम जंप स्केयर्स और जिस तरह के हॉरर देखे हम लोग बड़े हुए, तो ये थोड़ा सा अलग तरह के, और ये अच्छी बात है क्योंकि बाहर की फिल्मों में भी आप देखेंगे तो इस तरह के कॉन्सेप्ट पे काम हो चुका है पहले, तो थोड़ा समझने की मेरे ख्याल से अभी ऑडियंस ठीक तरह से उस चीज़ को ले नहीं पा रही है अभी, बहुत दीज आर वेरी अर्ली डेज। आगे आने वाला टाइम आई थिंक अगर इस तरह के फिल्म मेकर्स और भी
कॉन्सेप्ट्स पे काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अल्फ्रेड हिचकॉक की बात करूं, तो अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्मों में कई बार बहुत ज़्यादा ऐसा कि ना तो हमें कभी ऐसा कोई हॉरर देखने को मिला कि जो कि हमें जैसे हम आदत पड़ी उस तरह के हॉरर को देखने की हिंदी फिल्मों में, खासकर उनकी फिल्मों में भी साइकोलॉजिकल थीम्स होती थी बहुत सारी। और अगर अगर आप उसको देखेंगे या हिचकॉक की फिल्म्स को भी ध्यान से, तो कहीं ना कहीं पाएंगे कि हॉरर इज़ समथिंग दैट यू नो स्टेम्स यू नो फ्रॉम आर सेल्स। तो और उनका एक फेमस लाइन भी उन्होंने बोली थी कि देर इज यू नो देर इज़ नो फियर ओनली इन द एंटिसिपेशन ऑफ इट। डर तभी तक डर है जब तक वो दिखता नहीं, द मोमेंट यू फेस द फियर देर इज़ नो फियर। सो इन सब चीज़ों को अगर हम थोड़ा सा पिछला कुछ तरह की कुछ फिल्में देखेंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दिस इज़ नॉट आर यू नो स्टेपल हॉरर फिल्म, स्टेपल हॉरर डाइट, दिस इज समथिंग डिफरेंट, बट दिस इज समथिंग फ्रेश। एंड अनुराग ने बहुत अच्छे से उसको किया है। थोड़ा सा भी हमें और ग्रो करना है एज एन ऑडियंस और समझना है ये, क्योंकि हॉरर एक जॉनर ऐसा है जो कि बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड है, इसको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया हमारी कंट्री में। क्लीशे फिल्म्स काफ़ी बनी हैं, हॉन्टेड हाउस वाली या यू नो सीसीटीवी कैमरा वाली या हिडन कैमरा वाली, बट अब हमें समझना पड़ेगा कि हॉरर सिर्फ वो नहीं है जो हमें दिख रहा है, हॉरर वो भी है जो हमें नहीं दिख रहा है, जो हमारे अंदर है। तो उस चीज़ को आई थिंक अनुराग कश्यप ने बहुत अच्छे से स्टार्ट किया, एंड आई होप कि इट इज़ यू नो कैरिड फॉरवर्ड बाई अदर फिल्म मेकर्स एज वेल। ओके, वन थिंग जिसको मैंने नोटिस किया है अनुराग कश्यप की फिल्म में, लगभग उनके सारी ही फिल्मों में, जैसे कि मैंने बताया कि डार्क कैरेक्टर है, डार्क कैरेक्टर के अलावा भी जब आप फिल्म देखोगे ना, अनुराग कश्यप की लगभग सारी फिल्मों में एक सोसाइटी का जो इम्पैक्ट है, वो भले ही एक एक आपको जो कैरेक्टर प्लेस्ड हैं वो एक मॉडर्न सोसाइटी में डेवलप हुए कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, लेकिन उसका एक जो सोशल एंगल है कि उसके विद इन लाइफ उसके क्या चल रही है, उसको वो हमेशा से बहुत ज़्यादा लाउड नहीं रहता है ये फैक्टर, लेकिन तब भी उसको कहीं ना कहीं पे प्लेस किया जाता है, तो वो जो सोशल एंगल है वो कहीं ना कहीं पे दिखता है, ठीक है, जो हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, और ये फिल्म वो उस चीज़ को भी कहीं ना कहीं कहती है। आपको ऐसा फील हुआ कि वो फैक्टर यहाँ पे भी है? ये वाली जो फिल्म है सेकंड फिल्म, मुझे लगता है कि ये जो हम लोग की जो लाइफ होती है जो कि बहुत प्लेजेंट और बहुत खुश दिखती है, हैप्पी दिखती है बाहर से, तो उसके पीछे की जो यू नो सच्चाई है, जो कड़वा सच है वो क्या है, तो उस चीज़ को बहुत अच्छे से दिखाया है। कई बार हमें लगता है कि ऑन द सर्फेस एवरीथिंग इज़ फाइन, बट अगर हम ज़्यादा उसमें डेल्व करेंगे तो हम पाएंगे कि रीज़न क्या हो सकते हैं, ट्रॉमेटिक पास्ट क्या हो सकता है, और साइकोलॉजिकली यू नो हाउ आर वी कनेक्टेड टू ईच अदर, एंड हाउ आर फियर इज़ जनरेटिंग फ्रॉम विद इन अस, एंड हाउ इट कम्प्लीटली टेक्स ओवर अवर ओन पर्सनैलिटी। इट वॉज मोर ऑफ अ हॉरर दैट वॉज क्रिएटेड विद इन अस। तो आई थिंक ये अनुराग कश्यप की जो फिल्म है, ये अंदर का जो हमारे डर है उसको दिखाने की कोशिश करी है इस फिल्म में। जैसे मदरहुड था या ईडीपस कॉम्प्लेक्स था, साथ में पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर भी जो है हमारी सोसाइटी का, उसको भी अनुराग कश्यप ने बहुत ही नॉर्मल तरह से इस फिल्म के अंदर डालने की कोशिश की। और ये सेम कनेक्शन जो है वो बिल्ड किया हुआ है उस लेडी का और वो जो छोटा बच्चा है अंश, उन दोनों के बीच में भी। पूरी फिल्म में ही मुझे ऐसा लगा कि अंश को नेहा का अटेंशन चाहिए था, सोल अटेंशन मैं बोलूँ तो, कि वो उसकी लाइफ में बस वही इम्पोर्टेंट होना चाहिए, बाकी कोई भी नहीं, और इसीलिए शायद वो भी डिसलाइक करता था होने वाले बच्चे को। तो मुझे लगता है ईडीपस कॉम्प्लेक्स का भी बहुत अच्छा एक थीम डाला है इसमें, और ये एक बहुत अच्छा स्ट्राइक करता है यहाँ पे। ओके मानस, मेरे ख्याल से ये पॉडकास्ट थोड़ा सा लंबा जा रहा है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में। दो अभी स्टोरीज बाकी हैं, तो जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, आपको क्या लगता है, अगर हमने किसी पॉइंट को मिस किया हो तो ज़रूर कॉमेंट बॉक्स पर आप कॉमेंट करके हमें बताइए, एंड वी विल लव टू हियर फ्रॉम यू। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।